And welcome to our new video. In this video, we are going to discuss another problem from lead code, and the problem is 1431 kids with greatest number of candies. Let's get to the problem statement. The problem says that there are n kids with candies. You are given an integer array candies where each, each candies at i represent number of candies the ith kid has, and an integer. एक्स्ट्रा कैंडीज डिनोटिंग द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडीज दैट यू हैव रिटर्न अ बोलियन अरे रिजल्ट ऑफ लेंथ एंड वे आर रिजल्ट एट आई इस आयथ किड ऑल द एक्स्ट्रा कैंडीज दे है ठीक है तो हमसे प्रॉब्लम में क्या कहा गया है हमसे प्रॉब्लम में ये कहा गया है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है उसके अलावा एक नोट भी दिया है कि मल्टीपल किट्स कैन है तो हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है कि हमें एक कैंडीज नाम का एरे दिया जाएगा ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल दिया गया है टू थ्री फाइव वन थ्री टू थ्री फाइव वन थ्री उसके अलावा हमें एक और वैल्यू दी जाएगी जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैंडीज होंगी ठीक है वो हमको कितना दिया गया है थ्री दिया गया अब हमसे क्या बोला गया प्रॉब्लम में कि अगर हम इन कैंडीज़ को किसी स्टूडेंट को दे देते हैं मान लीजिए एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को देना है और देख हमको बताना है कि अगर हम ये कैंडीज इसे देते तो इसके पास सबसे ज़्यादा कैंडीज होंगी क्या ठीक है तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो फर्स्ट केस में क्या होगा फर्स्ट केस में जो हमारी नंबर ऑफ कैंडीज जैसे हम थ्री इसे दे देंगे तो इसके पास फाइव कैंडीज हो जाएगी बाकी पास थ्री फाइव फिर नेक्स्ट के पास वन रहेगी और लास्ट के पास थ्री तो अगर हम देखें इसके पास फाइव जो कि सबसे ज़्यादा कैंडीज हैं और या इसके पास भी फाइव है बट हमको क्या बोला गया कि कई किड्स के पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज हो सकती हैं तो मतलब इक्वल भी हो सकता है वो वाला केस भी यहाँ पे हो सकता है तो इसके लिए हम क्या प्रिंट करेंगे हम एक रिजल्ट नाम का एरे बनाएंगे किस साइज का सेम साइज का एरे बनाएंगे तो ये फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा तो हम इसमें टू डाल देंगे अब हम देखेंगे सेकेंड वाले के लिए तो सेकेंड वाले के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ कैंडीज़ हो जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी उसको अगर हम तीन और दे देते हैं तो थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगी फर्स्ट वाले की टू रहेगी तो हमारा एरे हो जाएगा टू सिक्स फाइव वन थ्री तो क्या इसके पास सबसे ज़्यादा कैंडीज़ हैं हाँ सिक्स जो कि नंबर ऑफ कैंडी वो सही है तो ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम थर्ड के लिए देखें तो थर्ड में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके पास जो नंबर ऑफ कैंडीज है वो थ्री रहेंगी और इसको अगर हम तीन कैंडीज और देते तो ये फाइव प्लस थ्री एट कैंडीज हो जाएंगी क्या ये ग्रेटेस्ट है हाँ ये सभी से बड़ा है तो ये ग्रेटेस्ट होगा तो यहाँ पे हम ट्रू इनपुट कर देंगे नेक्स्ट के लिए अगर हम देखें तो इसके पास वापस से कितनी कैंडीज हो जाएंगी जितनी इनिशियल नंबर थी फाइव नेक्स्ट के लिए देखें तो अगर हम इसे तीन कैंडीज देते हैं एक्स्ट्रा तो वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा अब अगर इसे कंपेयर करें तो इसके पास टू है इसके पास थ्री है इससे ज़्यादा है लेकिन इससे कम है इसके पास तो यहाँ पे हमें फॉल्स इनपुट करना पड़ेगा नेक्स्ट अगर हम लास्ट केस के लिए देखें तो लास्ट केस के लिए क्या होगा uh, लास्ट केस के लिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हो जाएंगी यहाँ पे वन हो जाएगी थ्री प्लस थ्री सिक्स कैंडीज हो जाएंगी तो यहाँ पे अगर हम देखें टू से ग्रेटर थ्री से फाइव से वन से तो यहाँ पे हम क्या इनपुट कर देंगे इसके इंडेक्स में टू कर देंगे अब जो हमको करना है रिटर्न को रिटर्न कर देना है इस रिजल्ट एयर को तो अगर हम फर्स्ट केस का आउटपुट देखें तो वो क्या है ट्रू 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 फॉल्स ट्रू लेट्स सी सैंपल आउटपुट डे में क्या ये रहा हमारा आउटपुट ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू तो ये हमारा करेक्ट है अब एक और एग्जाम्पल से समझते इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया वो देखते हैं फोर टू वन वन टू तो फोर टू वन वन टू ठीक है हमें क्या करना है हमें एग्जाम्पल दिया गया और एक्स्ट्रा कैंडी दी गई है वन अब अगर हम फर्स्ट वन दे देते हैं इसको तो इसके पास फाइव कैंडीज हो जाएंगी और फाइव इससे भी ग्रेटर है इससे भी इससे भी इससे भी तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा अगर एक कैंडी इसको दे देते तो इसके पास थ्री हो जाएंगी थ्री फोर से ग्रेटर नहीं है ग्रेटेस्ट नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा अगर हम इसको वन दे देते तो ये टू हो जाएगा टू इससे लेस है तो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा इससे भी वन देंगे तो ये भी टू हो जाएगा टू फोर से लेस है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा और इसको अगर देखें तो थ्री हो जाएगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये फोर से लेस है तो इसका आउटपुट क्या है बाकी सभी तो ये था हमारा एग्जाम्पल तो इस लूप को कर इस आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी हमारी हम सबसे पहले एक फॉल लूप चलाएंगे हर बच्चे के लिए जो कि चलेगा आई इज इक्वल टू ज़ीरो से आई लेस देन जो भी नंबर ऑफ बच्चे होंगे एन और हर बार आई को इंक्रीमेंट करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे एक और फॉल लूप चलाएंगे कहाँ से हम उसे चलाएंगे आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो से जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस और हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा जो नंबर ऑफ कैंडीज कैंडीज एट आए प्लस जो हमारी एक्स्ट्रा कैंडी है एक्स्ट्रा अगर ये ग्रेटर दैन इक्ल टू है किस से अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू है हमारी एरे ऐट जे से तो हम क्या प्रिंट कर देंगे तो हम यहाँ पे ट्रू प्रेंगे अपने उसमें और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर देंगे फॉल्स तो मतलब हमें क्या करना इंडायरेक्टली हम यहाँ पर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती है तो हम इसे कुछ इस टाइप से करेंगे अगर ये जो समय इन दोनों का अगर ये लेस रह जाता है किससे अगर ये छोटा हो जाता है हमारे जो कैंडीज एट जे है बाकी बच्चों की कैंडीज से किसी भी एक से अगर छोटा हो जाता है तो हम यहाँ पे ब्रेक कर ब्रेक uh, कर देंगे अपने इनर लूप को और एक टेस्ट नाम का वेरिएबल रखेंगे यहाँ पे टेस्ट टेस्ट uh, नाम का वेरिएबल रखें जिसे इनिशियली ट्रू रखेंगे और जैसे ही यहाँ पे कंडीशन सही हो जाएगी ये वाली तो इसे हम फॉल्स कर देंगे टेस्ट को और उसके बाद हम इसे आउटपुट करा देंगे अपने एरे में तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी बिगो ऑफ एन स्क्वायर क्योंकि हमको लूप को दो बार चलाना पड़ रहा है वहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी बिगो ऑफ एन क्योंकि हमें एक रिटर्न नाम का रिटर्न नाम का बुलियन एरे बनाना है तो हमें जो है सॉरी हमें बनाना है आंसर नाम का बुलियन वेरिएबल जो कि हमारा रिटर्न होगा तो उसके लिए हमें कितनी स्पेस लगेगी ओमेगा ऑफ एन स्पेस लगेगी तो ये हमारा एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है लेकिन उससे पहले हम इसके लिए कोड लिख लेते हैं चलिए तो सबसे पहले हमें एक एरे बनाना पड़ेगा बुलियन टाइप का लिस्ट बनानी पड़ेगी तो लिस्ट बनाते हैं किस टाइप की बनानी पड़ेगी बुलियन टाइप की ठीक है बुलियन ठीक है नेक्स्ट हमको क्या करना है इसे बनाना है तो हम क्या करेंगे इक्वल टू न्यू तो ये हमारी लिस्ट बन गई है अब हमको क्या करना है इसके अंदर एक हम बना लेंगे फॉल लूप अपना चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे आइज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन जो हमारी लेंथ होगी कैंडीज की इसके अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर एक और फॉर लूप चलाना है कहाँ से चलाएंगे आई इज इक्वल जे इज इक्वल टू जीरो से जे लेस देन लेंथ ऑफ कैंडीर की अब हमें क्या करना है अब हमें सबसे पहले इस i वाले लूप के अंदर एक बुलियन वेरिएबल बना लेना बुलियन बुलियन वेरिएबल कौन सा बना लेंगे हम हम बुलियन वेरिएबल अपना बना लेंगे uh, मान लीजिए टेस्ट इसे इनिशियली हम फॉल्स कर देंगे ठीक है इसका ये मतलब है इससे हम ट्रेस करेंगे कि हमारा जो एरे है वो मतलब वहाँ पे हमको फॉल्स इनपुट करना है कि नहीं ठीक है अब हमको क्या करना है इसके अंदर अगर हमारा किसी भी स्टेप में इफ कहीं भी अगर किसी भी स्टेप में जो हमारा कैंडीज एट कैंडीज एट आई प्लस जो एक्स्ट्रा कैंडी एक्स्ट्रा कैंडी क्या है एक्स्ट्रा कैंडीज इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज अगर ये लेस हो जाता है किस चीज से लेस हो जाता है ये ये हमारा लेस हो जाता है कैंडीज एट जे से कैंडीज एट जे से ठीक है तो इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारा टेस्ट है उसको हम फॉल्स ट्रू uh, कर देंगे और इसको हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे ठीक है और जैसे ही हमारा फॉल लूप ये वाला ख़त्म होगा अंदर वाला जैसे ही हमारा ये जे वाला फॉल लूप खत्म होगा हम अपने एरे लिस्ट में जो भी हमने बनाई है बुलियन टाइप की उसमें हम क्या डाल देंगे अगर हमारा जो टेस्ट है वो ट्रू है तो हम क्या डाल देंगे तो हम डाल देंगे बुलियन में जो हमारी एरे लिस्ट है उसमें हमको डालना पड़ेगा उसमें हम डाल देंगे फॉल्स वरना अगर ये फॉल्स है तो हम ट्रू डाल देंगे उससे पहले हमें इसका नाम हमने नहीं दिया था तो आंसर बना लेते मान लीजिए तो हमको क्या करना पड़ेगा आंसर डॉट एड आंसर डॉट एड और इसमें हम क्या ऐड करेंगे अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमको फॉल्स ऐड करना है वरना एल्स में हमको क्या कर देना है एल्स में हमको यहाँ पे आंसर डॉट एड क्या कर देंगे ट्रू ऐड कर देंगे ठीक है और लास्ट में जैसे ही हमारा ये आउटर फॉर लूप खत्म होगा हम इसके अंदर क्या करेंगे हम इसके अंदर अपना रिटर्न कर देंगे जो भी हमने एरे बनाया था जो कि था आंसर चलिए अभी इसे सबमिट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं और ये टेस्ट केस के लिए एक्सेप्ट हो गया चलिए इसे सबमिट करते हैं और अब अपना रिजल्ट देखते हैं अब ये रन हो रहा है हमारा और ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है तो अगर हम देखें ये फास्टर देन फिफ्टी परसेंट लोगों से था और जो स्पेस थी वो ट्वेंटी परसेंट लोगों से कम लग रही है तो हमारा इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर वहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओमेगा ऑफ एन तो चलिए अब इसे अपडेट करते हैं और अब अब अपना इसका ऑप्टीमाइज सॉल्यूशन देखते हैं जो कि हमारा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होगी ओमेगा ऑफ एन और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओमेगा ऑफ एन तो हमारे इस नए अप्रोच में हम क्या करेंगे इसमें हम अपने सॉल्यूशन को ओमेगा ऑफ एन में ही लाने की कोशिश करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपना जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा इस एरे का कैंडीज एरे का हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे कैंडीज एरे का और इस मैक्सिमम एरे को फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे हम फॉर लूप को एक बार इटरेट करके हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं तो आ, अगर मैं आपको शो करूं करेंगे क्या हम सबसे पहले अपना एक मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे अगर हम इस एग्जांपल के थ्रू देखें ठीक है तो यहाँ से अगर मैं देखू यहां से मैक्सिमम एलिमेंट क्या मिल जाएगा मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा फाइव तो मैक्स इज इक्वल टू फाइव जैसे ही मैक्स फाइव मिलेगा अब मैं क्या करूंगा अब मैं इस मैक्स को सब कर दूंगा जो हमारे पास होगा मैथ्स से मैं सब्ट्रैक क्या कर दूंगा जो भी हमारे पास एडिशनल नंबर ऑफ कैंडीज होंगी एक्स्ट्रा कैंडीज तो यहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा कैंडीज कितनी थी थ्री थी ठीक है अब जैसे हमारा एक्स्ट्रा कैंडीज थ्री है अब मैं इस मैक्स में से एक्स्ट्रा कैंडीज सब कर दूंगा तो फाइव माइनस थ्री टू हमको क्या मिला टू अब जो भी कैंडीज जो भी नंबर ऑफ जो भी इंडेक्स पे जो नंबर ऑफ कैंडीज होंगी वो टू या फिर टू से ज्यादा होंगी तो वहां पे हम देखेंगे ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा तो अगर हम टू के लिए देखें क्या ये टू से ग्रेटर देन इक्वल है हाँ तो इसके लिए हमारा क्या आएगा ट्रू आएगा नेक्स्ट हमारा three, ये भी ग्रेटर है तो ट्रू नेक्स्ट है हमारा फाइव ये भी ग्रेटर है तो ट्रू नेक्स्ट है हमारा वन तो यहाँ पे फॉल्स आएगा नेक्स्ट है थ्री तो ट्रू अगर हम देखें थर्ड इंडेक्स पे फॉल्स बाकी टू तो इंडेक्स पे फॉल्स बाकी ट्रू तो ये था हमारा अप्रोच हमने क्या किया यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकाला अगर हम देखें कि हम इस सॉल्यूशन तक पहुंचे कैसे हैं तो उसका क्या तरीका है वो देखते हैं अगर हमें कहीं पे किसी पोजीशन पे ट्रू प्रिंट करना है तो उसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारा उससे बड़ा होना चाहिए सिंपल सी बात है मतलब अगर हम टू के लिए देखें तो टू प्लस जो एक्स्ट्रा कैंडीज होंगी वो अगर मैक्सिमम से ग्रेटर होंगी या फिर इक्वल होंगी तो बाकी से भी ग्रेटर देन इक्वल होंगी एक चीज तो कंफर्म थी हमारी क्योंकि तो अगर देखें हम अगर ये फाइव से ग्रेटर है तो थ्री और वन से ऑलरेडी होंगी ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था तो हमने क्या देखा टू प्लस एक्स्ट्रा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जो हमारी मैक्सिमम कैंडीज थे तो यहां पे हमने देखा कि जो हमारा कैंडीज होना चाहिए अगर हम इसको राइट साइड पे लेके जाते हैं तो मैक्स माइनस एक्स्ट्रा जो है वो जो होना चाहिए हमारा वो लेस देन इक्वल होना चाहिए टू से ठीक है जो हमारा मैक्स माइनस एक्स्ट्रा है वो हमारा टू से लेस देन इक्वल इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि अगर यहां पे हमारा जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू है इसकी वैल्यू क्या आई टू आई ठीक है तो अगर हम इसकी जगह पे टू प्रिंट करें और यहां पे एलिमेंट रखे तो एलिमेंट जो है हमारा वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो उस केस में हमारा ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा तो अगर हम इसके लिए अप्रोच देखें इसके लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हम क्या करेंगे यहां पे सबसे पहले हमको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है तो मैक्स निकालने के लिए हम हम फॉर लूप को एक बार यूज करेंगे I 0 से I N तक ठीक है और यहाँ पे मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ऑफ नेक्स्ट हमको क्या करना है एक बार फिर से फॉर लूप चलाना है आईज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन तक और इसके अंदर हमको क्या करना है इस फॉर लूप के अंदर हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है क्या कंडीशन चेक करनी है कि अगर आ, वो भी चेक नहीं हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है उसमें हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे क्या जो भी हमारा यहाँ पे हमारा मैक्स है तो हम क्या ऐड कर देंगे अगर हमारा कैंडीज एट आई वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है मैक्स माइनस एक्स्ट्रा तो अगर ये हमारा मैक्स माइनस एक्स्ट्रा से ग्रेटर देन इक्वल है तो हमारे लिस्ट में क्या पेंड हो जाएगा ट्रू हो जाएगा वरना फॉल्स हो जाएगा तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो लिस्ट ट्रू हो जाएगी वरना वहां पे हमारा एलिमेंट फॉल्स पुश हो जाएगा तो ये सिंपल सा अप्रोच था जिसकी मदद से हमने अपने प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया जो कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हो चुकी है बिगो ऑफ एन क्योंकि यहाँ पे भी बिगो ऑफ एन का लूप लग रहा है यहाँ पे भी बिगो ऑफ एन यानी इंडायरेक्टली बिगो ऑफ टू एन जो कि इक्विवेलेंट है एन के फॉर लार्ज इनपुट्स वही अगर हम देखें जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो अभी भी सेम होगी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिगो ऑफ एन जहां पे एन हमारा होगा साइज ऑफ तो ये हमारा सिंपल सा अप्रोच था तो चलिए अब चलते हैं रिटर के ऊपर और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा लास्ट अप्रोच था चलिए इसको हटाते हैं और अपना फिर से चालू करते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ये जो हमारा लिस्ट है वो एक नई क्रिएट करनी पड़ेगी ये लिस्ट किस साइज की, की क्रिएट करनी है एक्स्ट्रा साइज सॉरी कैंडीज का जो होगा साइज उस साइज की लिस्ट क्रिएट करनी है तो कैंडीज डॉट लेंथ इससे हमें साइज मिल जाएगी नेक्स्ट हमको क्या करना है इसके अंदर हमें सबसे पहले एक मैक्स एलिमेंट तो इंट उसके बाद मैक्सिमम मैक वेरिएबल बना लेता हूँ मैक्सी करके इसे हम इनिशियली इनिशियलाइज कर देते हैं माइनस नाइन नाइन काफी ज्यादा निगेटिव बड़ी वैल्यू से अब इसके अंदर हमको क्या करना है एक फॉल लूप की मदद से हमें कैलकुलेट करना है अपना मैक्सिमम इलेम तो फॉर इंट आईज इक्वल टू जीरो आई लेस देन कहाँ तक चलेगा ये हमारा चलेगा कैंडीज डॉट लेंथ तक चलेगा तो इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते डायरेक्ट आ, उसके बाद आई को हर बार हमें अपडेट कर देना है आई प्लस प्लस नेक्स्ट इसके अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर हमें जो हमारा मैक्सी है उसको क्या चेक करना है क्या कोई एलिमेंट उससे बड़ा है तो मैथ डॉट मैक्स इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे मैक्सी और कैंडीज एट आई में से जो भी बड़ा है उसे ये स्टोर कर लेगा ठीक है जैसे ही खत्म होगा ये फॉल लूप तो हमें हमारा मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा फिर हमें क्या करना है एक फॉल लूप चलाना है और ईच लूप चला सकते हैं जो कि हमारा चलेगा इंट आई से और ये हमारा अपग्रेडेड वर्जन ऑफ फॉर ईच लूप है यहाँ पे हमारा हर एलिमेंट इटरेट होगा इसके लिए कैंडीज के लिए तो कैंडीज लिखेंगे और इसके अंदर हमें क्या करना है कि अगर जो हमारा हमने लिस्ट बनाई आंसर इसमें हम क्या क्या ऐड कर देंगे इसमें हमको ऐड करना है कि जो हमारा आई है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या मैक्सी माइनस मैक्सी माइनस जो हमारी एक्स्ट्रा कैंडीज हैं तो अगर ये हमारा इससे ग्रेटर है तो ट्रू अपेंड कर दो वरना फॉल्स अपेंड कर दो तो ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन चलिए अब इसे सबमिट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं रन कोड पर क्लिक करते हैं और एग्जाम्पल टेस्ट केस देखते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केस हमारा एक्सेप्ट हो चुका है अब इसे सबमिट करते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट क्या है हमारा और ये हमारा सक्सेसफुली रन सबमिट हो चुका है अब अगर हम देखें ये हमारा हंड्रेड परसेंट लोगों से फास्टर है और वही हमने नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव टू परसेंट लोगों से कम स्पेस यूज किया तो ये था हमारा सॉल्यूशन आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आए इसके अलावा आप अगर रेगुलर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है थैंक यू